बहादुरगढ़ में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक ने 10 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह 11:30 बजे रेलवे की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुई थी कि एक आदमी रेल के नीचे आ गया। मौके पर जाकर देखा गया तो उस आदमी ने सुसाइड की हुई थी और गर्दन जो है कटकर लाइन के अंदर और धड़ जो है बाहर पड़ा हुआ था। कार्रवाई के दौरान पता चला उस आदमी का नाम अमरनाथ सन्नौफ रणजीत सिंह, जाति ब्राह्मण, आर ओ शंकर गार्डन बहादुरगढ़ का रहने वाला था। मौके पर ही उसका लड़का आ गया था और शनाख्त हो गई। सर, किन कारणों से आत्महत्या कर रहा था? अभी तक परिजनों ने इसका खुलासा नहीं किया है। वैसे अभी अभी उन्होंने लड़के की शादी की थी 10 दिन पहले। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर नेशनल स्तर तक हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के गांव पिनाना के रहने वाले अंकित मलिक नाम के खिलाड़ी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित हुई विश्वविद्यालय खेलो इंडिया प्रतियोगिता में प्रदेश का डंका बजा दिया। अंकित ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, वहाँ पे फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। 3 मिनट 53 सेकंड फर्स्ट लगाई थी मैंने। आगे क्या सोच रहे हैं? आगे सीनियर में खेलने का, कंपटीशन एशिया के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये टारगेट है। बेंगलुरु में देश के सभी खिलाड़ी पहुंचे थे? हाँ, पूरे देश के खिलाड़ी, सभी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी थे। कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया? फर्स्ट। कब से खेलने लगे थे आप? कब, कहाँ से सीख मिली थी आपको? गाँव में प्रैक्टिस करते थे, पहले आर्मी की तैयारी करते थे, फिर कोसा के पास, कोसा ने फिर गेम की तैयारी करवाई थी। लंबे समय से हरियाणा के विभिन्न जिलों और दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में चरवाहों से भेड़ बकरियां लूटने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपने मवेशियों को चराने के लिए जब वह चरवाहे किसी एकांत जगह पर जाते तो आरोपी उनके साथ मारपीट करते और बंधक बनाकर उनकी भेड़ बकरियों को गाड़ी में डालकर ले जाते थे और उन्हें राजधानी दिल्ली में महंगे दामों पर बेच देते थे। पिछले कुछ समय से बादली के इलाके में भेड़ बकरी और बकरे की लूट की घटनाएं की लूट की 3 घटनाएं घटी थी। इस संबंध में हमारी जो अलग अलग जो टीम थी, CIA की, साइबर की और बादली पुलिस स्टेशन की, वो लोग काम कर रहे थे। तो हमारी इन टीम्स ने मिलकर 3 एक्यूज्ड को, सनी है जो कि पीरागढ़ी का, आकाश और राहुल, ये 3 पीरागढ़ी के रहने वाले, इनको हमारी टीम ने 2 तारीख को अरेस्ट किया था। 3 दिन का इनका पुलिस रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान इनकी कुल करीब 10 वारदात हैं जो कि इन्होंने मवेशियों को लूटने की थी, जिनमें से 3 वारदात हमारी हैं बादरी इलाके की। उसमें 3 वारदातों में से एक स्थान से इन्होंने कुल 20 बकरियां लूटी थी, उनके पालकों को चौकी की नोक पर रखी। दूसरे स्थान रतिया में एक वकील से नायब तहसीलदार द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में बड़ी संख्या में वकील लामबंद हुए और नायब तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खुला। सभी वकील SDM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर रिश्वतखोरी चरम सीमा पे है, जो काम है वो ठप हो रहे हैं। तहसीलदार साहब आते नहीं, यदि आते हैं तो काम नहीं करते और बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते और गलत व्यवहार करते हैं। पहले भी कई दफ़ा हमारे वकील साहिबान के साथ ऐसा गलत व्यवहार हो चुका है। कल विनय बंसल जी जब तहसीलदार साहब के पास गए, परसों गए, तो नायब तहसीलदार साहब बलराम जाखड़ जी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया कि दफ्तर से निकल जाओ, क्योंकि जो तहसील का टाइम है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक है, लेकिन 12 बजे से पहले या 12:30 बजे से पहले कोई तहसीलदार ना तो बैठता है और ना ही आता है। भीषण गर्मी में जहां आमजन भयंकर बिजली कट उसके बीच गर्मी से तरबतर होकर अपना पसीना बार बार पोंछ रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों को पढ़ाई के समय ये पसीना ना बहाना पड़े इसके लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के मॉडल संस्कृत स्कूल में इन्वर्टर बैटरी के लिए 22 लाख रुपए पास किए हैं, जिसमें झज्जर जिले के 1.5 दर्जन से ज्यादा मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए 4.5 लाख रुपए बजट में खर्चने का प्रावधान रखा गया है। काफ़ी दिन से बिजली की परेशानी है पूरे नॉर्थ इंडिया में ही है, हरियाणा रेला में भी, तो अच्छी पहल है। आप वैसे लेटर तो कोई अभी मिला नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ही पता चला है कि सरकार ऐसा प्रोविज़न करने जा रही है, अच्छी बात है।
परेशानी तो है, देखो बिजली का जो मामला है उससे दिक्कत होती है बच्चों को, गर्मी भी एकदम बढ़ गई, टेम्परेचर जो नॉर्मली जो होता है उससे 4 से 5 डिग्री अब वो चल रहा है। तो इन्वर्टर अगर सरकार दे रही है बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। सत्य सटीक बेबाक।